उस चेला के यहाँ पे, यानी चेला तो बहुत थे, उन्होंने सोचा पूरा महीना तो गाव हो जाएगा। तो गुरुजी एक चेला के यहाँ पे पहुंचे तो उन्होंने देखा कि द्वारे पर उन चेला की बहुत अच्छी भैंस है, भैंस बंधी हुई है। मन में विचार किया, अरे ये भैंस हमें मिल जाए तो खूब दूध दही खाएं और गोबर डारे सुबह आ जाए। आज जैसे ही लड़का आया, उसने कहा गुरुजी आ गए, भाग करके उसने महाराज पैर छुए। गुरुजी ने कहा बेटा वैसे तो काम तुम्हारा सब सही है, लेकिन तुम्हारे ऊपर शनि है। लड़का फिर गिर पड़ा। उसने कहा गुरुजी क्या शनि है? कहा अब ये दूर कैसे होगा? दूर तो एक ही चीज है इसे दूर करने के लिए, क्या? कि आप हमें कोई काली वस्तु दान में दे दो, काली वस्तु कोई हमें दान में दे दो तो तुम्हारा शनि दूर हो जाएगा। लड़का भागता हुआ अपनी पत्नी के पास में गया, कहने लगा गुरुजी आए हैं, उन्होंने कहा है कि हमारे ऊपर शनि है, इसे दूर करने के लिए कोई काली वस्तु देनी पड़ेगी। पत्नी बहुत चालाक थी, उन्होंने सोचा हमें लगता है कि गुरुजी की नियत हमारी भैंस बतौना है। आज जैसे उसकी पत्नी थी भाग करके गई और चूल्हे में से एक प्लेट कोयला निकाल के और महाराज से कही कि ले कोयला दिया काली चीज है। और बेहू लेके कोयला पहुंचे, ले गुरुजी। गुरुजी कहने लगे बदतमीज, अरे इस काला कोयला का हम क्या करेंगे, कोई ऐसी चीज है तो दे जो कि हमारे काम तो आई है। लड़का फिर भागता हुआ पहुंचा, लेकिन दिमाग में झटका लगा कि गुरुजी से पूछ लें कि ऐसी कौन सी चीज दें जिससे शनि दूर हो जाए। उसने कहा गुरुजी हमें एक बात बताओ, ऐसी कोई चीज क्या दें तुम्हें जो हमारा शनि दूर हो जाए? तो गुरुजी कहने लगे काली की काली होए, चार पैर बाली होए और दूध देने बाली हो। लड़का भाग करके कहने लगा गुरुजी बोल रहे हैं कि काली की काली हो, चार पैर बाली हो, दूध देने वाली हो। पत्नी समझ गई कि इनकी नियत भैंस पे, अब क्या करना चाहिए। पत्नी बहुत होशियार थी, उसने देखा कि बगल में मोहल्ला में एक कारी कुतिया ब्याई ताजी ताजी, और उसने महाराज गई वह कुतिया की जहट भरी के पीछे तीन चार पिल्लू चंदे। उसने अपने महाराज से कहा कि लियो काली चीज है, उसे ले जाकर के गुरुजी को दे देना। बेहू भौंदू बिंदे जहट भर ले और दो चार पिल्ला पकड़ ले और जैसे गुरुजी के सामने छोड़ी। गुरुजी कह लेंगे ये क्या है, ये क्या है? तुमने कहा था कि काली की काली हो, काली है कहे? तुमने कहा चार पैर वाली हो, चार पैर है या के कहे? तुमने कहा था दूध देने वाली है, दूध देने वाली भी है, और एक बात आप भूल गए कि ये बच्चों वाली भी है, ले जाओ पर हमारा शनि दूर करो। गुरुजी ने कहा मुझे चेला हमसे भी ज्यादा तेज है। कहने का मतलब ये है कि ऐसे गुरु बनाओ जो कि हमारा कल्याण हो जाए। और एक विद्वान तो जो कहते हैं